के लिए कि तुम मुर्गा बन जाना। थोड़ी देर को कि तुम मुर्गा बन जाना, पमी बाबा बन जाऊंगा, मुर्गा बन जाना, मी बाबा बन जाऊंगा। थोड़ी देर को आवाज लगा देना, तुम द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा और छल के आऊंगा। तुम इतना काम करना, ऐसा न भूलूंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन के आवाज लगाओगे, महात्मा जी सोचेंगे सवेरा हो गया, अब वो गंगा नहाने चले जाएंगे, हम अहिल्या से छल करने में सफल हो जाएंगे। कहो ओ कैसी रही। चंद्रमा बोला बड़े चालाक हो भैया इंद्र, रास्ता बढ़िया खोज लिया, तुम बाबा बनो। बोले हमें क्या दिल लगेगी, तुम मुर्गा बनो। अब चंद्रमा मुर्गा बन गया और जब महात्मा जी सो रहे चारपाई पे, वहीं जाके बैठ गया। बैठा रहा उगा के अरे हो ना क्या था वहां, अरे बीती आधी रात रे सोई दैया आवाज लगाई, जो चंद्रमा ने आवाज लगाई, महात्मा जी ने सुना तो उठ करके बैठ गए, सोचे लगे सवेरा हो गया, अरे आज बड़ा जल्दी सवेरा हो गया, अभी तो सोए थे। जो चंद्रमा ने आवाज लगाई, महात्मा गंगा स्नान करने चले गए, इंद्र अहिल्या से छल करने में सफल हो गया। खबर मिली महात्मा को घर पे छल हो रहा है, दोबारा घर पे भागे तो चंद्रमा को मुर्गा बना हुआ दरवाजे पे पाया, भीगी धोती मारी है जिसके धब्बा आज तक नहीं छूटे, वो अपनी पत्नी को श्राप दे के पत्थर की बना दिया। विश्वामित्र बोले राम ये वो अहिल्या है जो बरसों से तुम्हारे चरणों के धूल के इंतजार में पड़ी है, तुम इनका उद्धार करो। तो छुगत सिला भई नारी सुहाई, पत्थर से स्त्री बनी है जो भगवान की बार बार वंदना करने के बाद परम धाम के लिए जाती है। अब अहिल्या का उद्धार करने के बाद क्वार के महीना की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की शाम को पहुंच गए जनक के फूल बाग में तीनों प्राणी। तो विश्वामित्र कहते हैं राम अब तो शाम हो गई, अब हम इधर ही बैठे, काम करो तुम दोनों भाई फूल ही तोड़ ला, पूजा हो जाए। अब राम लक्ष्मण चले जनक के फूल बाग में फूल तोड़ने, तो राम ने देखा कि चौकोर चार चौपट वाला और बगिया के बीच सरोवर है, और उसी सरोवर के समीप और श्री गिरिजा जी का मंदिर है। अब राम लक्ष्मण बाग में बैठे हैं,
वहां उधर सीता भी आई उसी समय मंदिर में पूजा करने, अकेली नहीं है, सहेलियां साथ में है, पूजा की थाली हाथ में है। और वो सीता जी जो है वहां बदले सखियन को संग जाने की, और फूल बाग में आई और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन गो भाई। सलाम के आई सूरत देखी गो भैया नगी नहीं गई नजर दबाई। आई सीता मंदिर में पूजा कर, तो एक लड़की सीता की बिछुड़ी जा राम लक्ष्मण घूम रहे वहां पहुंची गई। तो राम की जब छवि देखी तो सीता से जाके मेरी बोली, सहेली सीता आज ऐसा लगता है, कैसा लगता है? बोले जिनका हम बरसों से नाम लेते आए, जिनका हम लोग कीर्तन गुणगान करते आए, वही प्रभु श्री राम आज हमारी बगिया में आए। हैं आ चलो भैया राम बगिया में आए, चलो बहना राम बगिया में आए। चलो तुम भी उनके दर्शन करो। अब चली सीता राम के करीब, जब राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा तो हुआ क्या? अरे होना क्या था, जब सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा तो तुलसीदास बीच में बोल पड़े। तुलसीदास कहते हैं कि सी छवि देख राम मति भटकी, और राम छवि देख सिया मति अटकी। सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा तो तुलसीदास कहते दोनों की दशा वो हो गई जैसे गूंगा आदमी होता है। गूंगा तुम गूंगे आदमी को खूब बढ़िया मिठाई खवाओ, खूब बढ़िया, फिर तुम बात से पूछो भैया तो कैसी लगी, नहीं बता पाएगा। अच्छी लगेगी तो हंस दिए और खराब लगी तो मोह बिगड़ जाइए, अब तुम्हें जानो जाए कैसी लगी। तो सीता अपने मन की बात राम से नहीं बोल पाई और राम अपने दिल की बात सीता से नहीं कह पाए। लक्ष्मण पीछे ही खड़े थे, बोले भैया चलो गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। अब राम लक्ष्मण इधर लौट आए और सीता मंदिर में प्रवेश करती हैं। खबर मिली है जनक को कि राम आए हैं लक्ष्मण जी के साथ, तो बड़े मगन हुए हैं। पूरी जनकपुरी को दिखाया, जो ये जनकपुरी एक नई दुल्हन की तरह सजाई गई। अब इधर जा स्वयंवर है, उधर से सीता जी जयमाला लेके प्रवेश करती, इधर से राम प्रवेश करते हैं। तो तुलसीदास ने एक छोटी सी शंका कर दी रामायण में। क्या शंका कर दी? ये 101 रुपया आए हैं ओमेंद्र सिंह यादव, ये फतेहगढ़ के रहने वाले हैं, और 101 रुपया ये सीसराम यादव, ये मजहरिया के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से, और 100 रुपया ये राजमोहन यादव, ये राजा नगला के रहने वाले हैं, और 100 रुपया प्रतपाल मामा जी, ये उसावा के रहने वाले हैं, और 100 रुपया भेंट कर रहे हैं ये विपिन यादव, ये ओमी नगला के रहने वाले हैं। लिखा है अंगुरिया थाम के चली आई, अभी सुना रहा हूं, मात्र 2 मिनट और रुको, इकट्ठे सुना दूंगा, अभी सुना रहा हूं, 2 मिनट मात्र, बीच में डिस्टर्ब होता है, कथा में विघ्न पड़ जाता है भैया।
क्योंकि हमारे बड़े बड़े लोग भी यहाँ बैठे, कथा सुनने वाले भी बैठे, इनका भी काम हो जाए, वो तुम्हारा तो होता ही रहेगा, नए नौजवानों का क्या है, इनका जरूरी है। अभी सुना रहा हूं, और कुछ सुना बता देना, इकट्ठी सुना रहा। क्या शंका कर दी तुलसीदास? तुलसीदास कहते हैं कि रंग भूमि जब सी पगुधारी और रूप दे के मोहे नर नारी। सीता ने जब रंग भूमि में कदम रखा तो उनकी सुंदरता देख करके स्त्रियां भी मोहित हुई और पुरुष भी मोहित हुए। लेकिन दूसरी जगह तुलसीदास ये कहते हैं कि मोहे न नारी नारी के रूपा और पन्न गार जई रीति अनूपा। तुलसीदास इधर ये कहते हैं कि स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती, तो इधर ये काय को कहते सीता को देख के स्त्रियां भी मोहित भई। अब इसमें कौन सी बात सही है? अब इसमें यही बात सही है, ना तो स्त्री कभी अपने मोह से दूसरी स्त्री की बड़ाई करे और ना कभी बड़ाई सुने। वैसे चाहे रोटी खाएवे की अकलना हो जात की सबको अकल है। माताएं मैंने ये ना सोचे कि रजनीश हमारी बात कह रहे, नहीं नहीं हम आपकी बात नहीं कह रहे, हमें पता है आपके यहां ऐसी कोई है ही नहीं, तो मकाई को कहे कोई नहीं। वैसे तुम तुलसीदास की बात छोड़ो, किसी दिन अपने घर में ही अजवास करके देखना, अपनी औरत के पास बैठ के और कब दूसरी औरत की बड़ाई करियो, फिर देखो संजा को बिना लड़े रोटी मिल जाए, ये कमी होती है। न बड़ाई करे और न बड़ाई सुने। एक कवि कहता है कि नारी कछु अकल की है मारी, ज्यादा नहीं आप लोग ये सोचो, ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी है। कि नारी कछु अकल की है मारी, ओ इन मिया बगुण बहुत भरे, अवगुण अवगुण की खाने है औरत। आजकल की बात नहीं, आप लोग ये सोचने लगो आजकल की, नहीं नहीं नहीं, आजकल की स्त्रियों में कोई अवगुण है ही नहीं, तुम काय को कहे है ही नहीं। देखो एक विद्वान ये कहता है स्त्री के होठों पे तो अमृत होता है लेकिन जीव में जहर होता है, जहर जहर। दूसरा विद्वान ये बता रहा है कि औरतों को कभी बोलने की अकल नहीं आई, औरत जब कहे है तब ऐसी कहे है जो मतलब सीधी पार हो जाए। आजकल की बात नहीं, आप लोग ये सोचने लगो आजकल की, नहीं नहीं नहीं, आजकल की स्त्री कोई गलत बात कहती नहीं, तो मकाई को कहे कहती नहीं, बहुत रोती। अगर दुर्योधन से ये न कहती कि अंधे के अंधा हुआ तो शायद ये महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, तो औरतों को बोलने की अकल नहीं आई। एक नहीं सुना, आजकल की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आजकल की हमारी माताएं मैंने बहुत समझदार हो गई हैं। आजकल तो बहुत विद्वान भी हैं, समझदार भी हैं, पढ़ी लिखी हैं। आजकल की बात नहीं कह रहा, बहुत पुरानी बात। एक नहीं ऐसे सुना, नारी की बात न से बड़े बड़े बिगड़ी गए, द्रौपदी की बात न से दुर्योधन से उजड़ी गए, कैकेयी की बात न में दशरथ भी मरी गए, देखो श्री राम जी ने मन में भारी दुख सहे। और सुनो, मेनक
सीता के पीछे विश्वामित्र हार गए, भूले तपस्या और डूब मजधार गए। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे घूम गए, बड़े बड़े तैरन वाले वो भी नहीं पार गए। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे घूम गए, बड़े बड़े तैरन वाले वो भी नहीं पार गए। नरकी है बाप क्या जो देवता भी हार गए। तो सीता को देख के स्त्रियां मोहित नहीं भई, बल्कि पगधारी को देख के मोहित भई। पगधारी किसे कहते हैं? बोले पगधारी कहते हैं प्रभु श्री राम को। भृगु ने छाती में लात जो मारी, और तब से नाम पढ़ो पगधारी। तो रंग भूमि जब सिय पगधारी, और रूप देख मोहे नर नारी। तो सीता को देख के नहीं, बल्कि राम को देख के मोहित भई। अब क्या हुआ? बहादुर लोग जाते हैं धनुष तोड़ने के लिए, दांती पीस पीस के ताकत दिखाते हैं। धनुष टूटना तो बहुत दूर, वो धनुष किसी के बल से हिला भी नहीं। और जब धनुष नहीं हिला, बाजे बजना बंद हो गए। भरे दरबार में जनक उठ करके खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, बहादुरों आज तुम्हें बहादुर कहते हुए भी मुझे बड़ा शर्म आ रही है। लगता है भगवान ने सीता को जन्म तो दे दिया, लेकिन इनकी किस्मत में शादी नहीं लिखी। अगर ये बात मुझे पहले पता होती, दुनिया में कोई बहादुर नहीं है तो ये धनुष को तोड़ने का फैसला ही नहीं करता। चले जाइए अपने अपने घर के लिए। खुले शब्दों में कह रहे, ये पृथ्वी क्षत्रिय से हीन है। और बोले हैं वो जनक के कुआरी लली रही, और मैंने बिरथा पेज धनुष की ठानी कुआरी। जनक ने ये शब्द कहे, बहादुरों के चेहरा शर्म के कारण नीचे को झुक गए। लेकर शेषावतारी लक्ष्मण से नहीं रुका गया, भरे दरबार में खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, जनक राम क्या कह रहे हो? ये बात कहने से पहले तुम्हें हजार बार सोच लेना चाहिए था। ना ये पृथ्वी कभी क्षत्रिय सेन थी, और न है, और न कभी भविष्य में होगी। धनुष की बात छोड़ो, केवल बात दीजिए गुरु विश्वामित्र से। अगर विश्वामित्र गए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दो जनक राम।
जो लक्ष्मण ने ये कहा, बहादुरों के चेहरा लक्ष्मण के चेहरा पे टकटकी लगा के ही देखते रह गए। छोटा सा बच्चा और इतनी बड़ी बात बोल गया कि ब्रह्मांड उछाल ले, बुद्धि खराब हो गई है इसकी, पागल हो गया है। विश्वामित्र बोले हैं लक्ष्मण।